Hello people, welcome back to the channel और आप देख रहे हैं The Wisdom Tooth. I am Dr. Chandra from Dr. Chandra Dental Studio. हम बना रहे हैं 365 videos on oral health education इस पूरे साल में और topic of the day is कि pregnancy में dental treatment करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए या completely avoid करना चाहिए और अगर बहुत ज़रूरी हो या बहुत ज़्यादा दर्द हो तो क्या करवाना चाहिए. प्रेगनेंसी से रिलेटेड डेंटल ट्रीटमेंट का क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में आज हम बात करेंगे. तो आइए बात करते हैं. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बीइंग अ पेशेंट आपको ये रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है अपने डेंटिस्ट को कि आप प्रेग्नेंट हैं, बिकॉज पहले एक दो या तीन महीनों में इतना पता नहीं चलता और अगर आप शर्म के मारे, बिकॉज ये इंडिया में बहुत कॉमन है, शर्म के मारे या ऐसे ही कि हम क्यों किसी को बताएं कि हम प्रेग्नेंट हैं, तो डॉक्टर से कुछ ना चुपाएं. अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ज़रूर बताएं, बिकॉज जो मैं अभी बात बोलने वाला हूँ बहुत ज़रूरी है. बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले तीन महीने बच्चे की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स मेजर ऑर्गन्स डेवलप होते हैं पहले तीन महीनों में. और अगर आपने अपने डेंटिस्ट को नहीं बताया कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपने कोई मेजर ट्रीटमेंट करवाया, उसका इफेक्ट ज़रूर हो सकता है आपके बच्चे की ग्रोथ पे. इसीलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहले तीन महीनों में हम डेंटल एक्सट्रैक्शंस, एक्सरेज वगैरह अवॉइड करते हैं कम्प्लीटली, अनलेस इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो पहले ट्राइमेस्टर, पहले तीन महीने में हम कोई डेंटल ट्रीटमेंट नहीं करते, हम जस्ट आपके नॉर्मल दवाइयों के साथ कुछ पेन किलर्स एंड ऑल दे देते हैं ताकि आपको दर्द ना हो. बाकी जो ट्रीटमेंट है उसके लिए जो बेस्ट टाइम है वो है सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स मंथ. इन तीन महीनों में हम डेंटल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लाइक रूट कैनाल्स, एक्सट्रैक्शन, वो भी अंडर प्रॉपर प्रिकॉशन एंड कंडीशंस. फर्स्ट और थर्ड जो ट्राइमेस्टर होता है वो काफ़ी क्रूशियल होता है प्रेगनेंसी में, इसलिए हम ट्रीटमेंट, डेंटल ट्रीटमेंट जो है वो उसमें अवॉइड करते हैं. बिकॉज डेंटल ट्रीटमेंट में हमें एक्सरेज करने पड़ते हैं, लोकल एनेस्थीसिया देना पड़ता है, या एक्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी, या रूट कैनाल करनी पड़ेगी. ये सब चीज़ें हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं. एक और चीज़ जो मिसकंसेप्शन है कि लोकल एनेस्थीसिया मतलब दांत निकालने के जो हम सुन करते हैं, क्या उसका असर बच्चे पे या माँ पे पड़ता है या नहीं, ये जान लें. अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन स्टडी डन इन 2015, एक रिपोर्ट है, अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा. लेकिन बेसिकली उसमें जो मोटा मोटा था वो मैं आपको समझा देता हूँ कि उन्होंने दो ग्रुप्स बनाए ए एंड बी, जिसमें प्रेगनेंट लेडीज थी दोनों में, और दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से हुआ. एक ग्रुप ए में उन्होंने सबको लोकल एनेस्थीसिया देकर उनका ट्रीटमेंट करा और ग्रुप बी में उन्होंने विदाउट एनी एनेस्थीसिया उनका ट्रीटमेंट करा. जो रिजल्ट थे आफ्टर प्रेगनेंसी दोनों के सेम थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा लोकल एनेस्थीसिया देने से या ना देने से. बस फर्क ये था कि जो लोकल एनेस्थीसिया दिया हुआ था उनको ट्रीटमेंट के दौरान दर्द नहीं हुआ, बाई जिनको नहीं दिया था उनको ट्रीटमेंट के दौरान दर्द हुआ, जो कि कॉमन है. अब इससे क्या पता चलता है कि लोकल एनेस्थीसिया देने से या सुन करने से बच्चे या माँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता. ध्यान रहे कि हम अगर बहुत ज़रूरी है एक्सट्रैक्शन करना तो हम ट्राई करें कि उसको सेकंड ट्राइमेस्टर में ही करवाएं. ये सब था प्रेगनेंसी, बच्चे और ओरल हेल्थ के बारे में. अगर आप कुछ और जानना है तो अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे. तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ. दिस इज डॉक्टर चंद्र फ्रॉम डॉक्टर चंद्र डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द विजडम टूथ. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. सी यू टुमारो.